गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लास ऑफ क्लास फिफ्थ, लेसन नंबर टू, मेहनत की कमाई। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर टू, मेहनत की कमाई। इसमें क्या स्टोरी है स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं लेसन को। एक अमीर बाप ने अपने आलसी बेटे को बुलाकर कहा, एक अमीर बाप मतलब कि एक अमीर आदमी था, उसका एक बेटा था जो बहुत ही ज़्यादा आलसी था, और उसे कहा कि जा कुछ कमा ला। एक बाप ने अपने बेटे को बोला कि जाओ कुछ कमा कर लाओ। लड़का लापरवाह और नीरस था, काम करने की उसकी आदत नहीं थी। वह सीधा अपनी माँ के पास गया और रो धोकर मिन्नतें करके उसे एक रुपया लेकर आ गया। जब उसके पिता ने उसे बोला कि जाओ कुछ कमा कर लाओ, तो जो लड़का था वो बहुत ही ज़्यादा लापरवाह था, मतलब कि कुछ काम नहीं करता था, हमेशा आलसी की तरह बैठा रहता था, उसको काम करने की कोई आदत ही नहीं थी। तो मैं अपनी माँ के पास गया और रोक धोकर मिन्नतें करके उसकी, और उसे माँ अपनी मम्मी को राज़ी कर लिया कि वह उससे कुछ रुपये दे दे। माँ से बेटे का दुख देखा ना गया, और जो माँ थी वह बहुत ही ज़्यादा दया भाव वाली थी, और उसने अपने देखा कि मेरा बेटा रो रहा है, उसे झट से एक रुपया निकाल कर अपने बेटे को दे दिया। रात को बाप ने पूछा, बेटा तूने क्या कमाया? जब रात को उसके जो पिता हैं वह काम से घर लौटे काम करके, तो उन्होंने पूछा अपने बेटे से, बेटा तूने आज पूरे दिन में क्या कमाया? तो लड़के ने झट से एक रुपया निकाल कर दिखा दिया। तो जो उनका बेटा था उसने जल्दी से एक रुपया निकाला और उनके पिता को दिखा दिया। अनुभवी पिता अब समझ गया, जो उनके पिता थे वो बहुत ही ज़्यादा अनुभवी थे, मतलब कि वह जानते थे कि इसका बेटा है जो वो बिल्कुल ही आलसी है, तो उसने एक रुपया कहाँ से कमाया होगा, ये ज़रूर किसी से रुपया लेकर आया है। तो उसने कहा जा इसे कुएं में फेंक दे। तो उन्होंने अपने बेटे को बोला जाओ इसे कुएं में फेंक कर आओ। लड़के ने झटपट जाकर रुपया कुएं में डाल दिया, और जो लड़का था उसने भी जाकर पूरा जो एक रुपया सिक्का था जो उसे जाकर कुएं में डाल दिया। अगले दिन पिता ने फिर कहा जा कुछ कमा ला, नहीं तो आज तुझे भोजन नहीं मिलेगा। पिता ने बोला अगर आज तुम कुछ ना कमा कर लाए तो तुम्हें आज भोजन नहीं मिलेगा। लड़का अपनी बहन के पास जाकर रोने लगा। पहले लड़का किसके पास गया था? पहले लड़का अपनी माँ के पास गया था, रो रो कर उनसे रुपये लिए थे, और अब वह गया अपनी बहन के पास, और जो बहन है उसने भी तरस खाकर कि मेरा भाई रो रहा है, उसने भी उसे रुपये दे दिए। बाप ने रात्रि में लड़के से पूछा, उसके पिता फिर रात को घर पर आए और उन्होंने फिर से पूछा कि आज तूने क्या कमाया। लड़के ने जेब से निकाल कर एक रुपया बाप के सामने रख दिया, और लड़के ने फिर से एक रुपया निकाला जेब में से और जल्दी से निकाल कर अपने पिता को दिखा दिया कि एक रुपया ये लो। जा फिर पिता ने उनसे बोला कि जा इसे भी कुएं में फेंका जैसे कि तूने कल फेंका था। और लड़का जाता है जल्दी से और कुएं में एक रुपये को फेंक कर आ जाता है। अनुभवी पिता ने अपनी पत्नी और अपनी बेटी को बाहर भेज दिया, और जो उनके पिता थे वह जान चुके थे कि इनका जो बेटा है वह कुछ काम नहीं करता है, लेकिन अब किसी ना किसी से कभी माँ से कभी बहन से रोज़ रुपए लाकर उन्हें दिखा देता है। तो पिता समझ गए थे, उन्होंने क्या किया, अपनी पत्नी और अपनी बेटी को बाहर भेज दिया। पिता ने बेटे को प्रांत उठने पर कहा, प्रांत मतलब सुबह जल्दी उठने को कहा। जो उनके पिता थे उसने बोला अपने बेटे को कि तू सुबह जल्दी उठना, जल्दी उठा और उसे बोला कि ना कुछ कमा कर लाओ, नहीं तो रात को भोजन नहीं मिलेगा। बेटा दिन भर सुस्त बैठा रहा, उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, कोई उसकी सूद लेने वाला नहीं था, मतलब कि ना तो उसकी माँ थी घर पे और ना ही उसकी माँ थी, ना ही उसकी बहन थी और ना ही उनकी माँ थी जो उसके पूछे कि वह क्यों रो रहा है, क्यों उदास बैठा है। बेटा दिन भर सुस्त बैठा रहा, उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, कोई उसकी सूद लेने वाला नहीं था। विवश होकर, विवश मतलब दुखी होकर, संध्या के समय वह उठा और बाजार में मजदूरी करने के लिए चला गया। शाम हो गई तो उसने सोचा कि रात को उसके पिता आएंगे और पूछेंगे तूने आज क्या कमाया, तो इसलिए वह उठा और शाम को बाजार में चला गया मजदूरी खोजने के लिए। एक सेठ ने कहा मेरा यह संदूक उठाकर घर पहुंचा दो, मैं तुझे चार आने दूंगा। अमीर बाप के बेटे ने संदूक उठाकर सेठ के घर पहुंचाया। वह थक कर चूर हो गया, क्योंकि वह जो संदूक था वह काफ़ी भारी था, काफ़ी भार होने के कारण वह जो बेटा था वह काफ़ी थक गया, क्योंकि उसने कभी इतना काम किया नहीं। ठीक है, उसके पांव कांप रहे थे और गर्दन तथा पीठ भयंकर दर्द कर
कर रही थी। रात को जब बाप ने पूछा, बेटा आज तूने कुछ कमाया, लड़के ने चवन्नी निकाल कर दिखाई। अब जो रात को उसके पिता घर पर आए तो उन्होंने पूछा कि आज तूने क्या कमाया, तो उनके जो बेटा है, उनका जो बेटा है, उसने चवन्नी निकाल कर जट से दिखा दी। बाप बोला, जा इसे भी कुएं में डाला, और फिर उसके पिता ने बोला कि जाओ इसे कुएं में डालकर आओ। लड़के को क्रोध आ गया। अब जो लड़का है उसको गुस्सा आ गया, क्योंकि पहले तो वह क्या करता था, अपनी माँ से या बहन से रुपए लेकर दिखा देता था अपने पिता को, लेकिन अब जो रुपए जो चवन्नी थी वह खुद कमा कर लाया था, तो उसे गुस्सा आ गया। क्रोध मतलब गुस्सा आना। वह बोला, यह मेरी मेहनत की कमाई है। उसने अपने पिता से बोला, यह मेरी मेहनत की कमाई है, मेरी गर्दन कमर और पैर दुखने लगे हैं, आप कहते हैं मैं इसे कुएं में डाल दूं। अब जो बेटा है उसे गुस्सा आ गया और वह बोला कि ये तो मेरी मेहनत की कमाई है, मैंने दिन भर इसके लिए मेहनत की है, इतना भार उठाया, और आप बोल रहे हैं कि मैं इसको जाकर कुएं में डाल दूं। अनुभवी पिता थे जो उसके, वह समझ गए कि इसने मेहनत की है, ये पक्का कमा कर लाया है। अगले दिन उसने अपना सारा व्यापार लड़के के हवाले कर दिया, क्योंकि वह समझ गए थे कि जो उनका बेटा है वह मेहनत को समझ गया है, मेहनत की कमाई को जान गया है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।